तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे जो हम लोगों को पढ़ना है वो है ताप विद्युत केंद्र, जो कि कोयले का प्रयोग द्वारा या कोयले के प्रयोग द्वारा चलायमान है। हम इस पर अभी बात करेंगे तत्काल में, ठीक है। अब हम बात करेंगे ताप विद्युत केंद्र की। ताप विद्युत केंद्र किसके? कोयले का प्रयोग। कोयले का प्रयोग, ठीक है। पहला है हरदुआगंज, पहला है आपका हरदुआगंज, ठीक है। हरदुआगंज, अलीगढ़, अलीगढ़ 1942 में इसकी स्थापना हुई। यह राज्य का सबसे पुराना ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है। कब? 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई तथा यह राज्य का सबसे पुराना ताप विद्युत केंद्र है। पुराना ताप विद्युत केंद्र है। दूसरा रोजा सहारनपुर, दूसरा है आपका रोजा जो कि कहां स्थित है? सहारनपुर में। सहारनपुर। तीसरा है आपका ओवरा जो कि सोनभद्र में स्थित है। ओवरा। तीसरा है आपका ओबरा और चौथा है सिंगरौली। सिंगरौली, ठीक है। ये दोनों ऐसे हैं जो सोनभद्र जिले में स्थित हैं। सोनभद्र जिले में स्थित है, ठीक है। अगला है आपका अनपरा, ये पांचवा है। अनपरा, अनपरा भी आपका सोनभद्र में ही स्थित है। सोनभद्र में स्थित है। अब इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। अगला है पनकी, छठवां है पनकी, ठीक है। और सातवां है आपका यह परीक्षा। परीक्षा, ठीक है। तो पनकी आपका जो है वह कानपुर में है और परीक्षा आपका झांसी में है। कहाँ है? झांसी में। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की, ठीक है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ताप विद्युत
निगम की। ठीक है, चलिए। ताप विद्युत निगम, इसके अधीन 10 पावर प्लांट लगाए गए हैं। कितने लगाए गए हैं? 10 पावर प्लांट, जिसमें से सिर्फ 7 ऐसे हैं जो कार्यशील हैं, बाकी 3 ऐसे हैं, 3 ऐसे हैं जो निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन है। तो जो 7 कार्यशील हैं, हम पहले उनको देख लेते हैं। 7 कार्यशील हैं कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और अंतिम है सातवा। ठीक है, तो पहला है आपका दादरी, औरैया, शक्ति नगर, दादरी, औरैया, औरैया, शक्ति नगर, शक्ति नगर। चौथा है आंवला, ऊंचाहार, रिहंद, आंवला, ऊंचाहार, रिहंद और अंतिम सातवां है आपका टांडा, टांडा। ठीक है, चलिए अब इनके हम जगह स्थान देख लेते हैं कहां कहां है। तो दादरी जो है वह आपका गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। औरैया जो आपका है वह औरैया में ही स्थित है, औरैया। ठीक है, उसके अगला है शक्ति नगर जो कि सोनभद्र में स्थित है, अंबाला है यानी कि आंवला, यह आपका बरेली में है, बरेली, और यह ऊंचाहार आपका रायबरेली में है। रिहंद आपका यह सोनभद्र में स्थित है, और टांडा जो है यह आपका अंबेडकर नगर में स्थित है, अंबेडकर नगर में स्थित है। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया। अब 3 ऐसे कौन है जो निर्माणाधीन है, हम उनकी बात कर लेते हैं तीनों की। तो यह आपका नोट हो चुका होगा, यहां पर हम इसकी बात कर लेते हैं। तीन निर्माणाधीन, पहला है मेजा, पहला है आपका मेजा जो कि प्रयागराज में स्थित है, दूसरा है टांडा, टांडा और तीसरा है आपका बिल्हौर, बिल्हौर। ये 3 है। चलिए अब हम इस पर बात कर लेते हैं। पहला मेजा, मेजा आपका ये प्रयागराज में, अभी मैंने बताया प्रयागराज। और टांडा, टांडा का यह कब, इसका विस्तार ताप विद्युत केंद्र अंबेडकर नगर में हो रहा है, अंबेडकर नगर। ठीक है, बिल्हौर, बिल्हौर आपका कानपुर में है। तो ये ऐसे हैं जो निर्माणाधीन है यानी कि इनका निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं जल विद्युत परियोजना के बारे में। किसके बारे में? जल विद्युत परियोजना। तो यहां तक आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं जल विद्युत परियोजना में।
जल विद्युत परियोजना। चलिए पहला रिहंद जल विद्युत परियोजना, पहला है आपका रिहंद जल विद्युत परियोजना। यह सोनभद्र में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर स्थित है। कहां स्थित है रिहंद नदी? सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर है। पिपरी नामक स्थान पर है, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील का निर्माण इसी से होता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील का निर्माण इसी से होता है, ठीक है। यह आपका क्लियर हो गया। जब हम परियोजना आप लोगों को पढ़ा रहे थे तब उसमें हमने आपको रिहंद परियोजना पढ़ाया था, ठीक है। अगला शारदा जल विद्युत परियोजना, यह आपका दूसरा है। शारदा जल विद्युत परियोजना, यह वनवास में या वनवासा पीलीभीत में स्थित है। वनवासा पीलीभीत में स्थित है। यह शारदा नदी पर है। किस पर है? शारदा नदी पर। यह शारदा नदी पर स्थित है। अगला है माता टीला जल विद्युत परियोजना, तीसरा। माता टीला जल विद्युत परियोजना, यह झांसी में स्थित है जो कि बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी झांसी में स्थित है, ठीक है। यह एक माता टीला बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है। अगला जो है आपका वह है गंडक जल परियोजना, चौथा। गंडक, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। यूपी प्लस बिहार अर्थात बिहार, यूपी प्लस बिहार की यह संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इसकी आपूर्ति जल होती है वह नेपाल से पूरी होती है, क्योंकि नेपाल से आने वाली नदियां इसके जल को पूरी करती हैं, ठीक है। विद्युत आपूर्ति जो होती है या उत्तर प्रदेश में पूरी करती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में इसका तापक्रम काफी ज्यादा है, यानी कि बिजली उत्पादन जो करती है वह उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ज्यादा देती है, ठीक है। तो यहां तक आप सभी के समझ में आ गया। अब आपके जो है कुछ क्वेश्चन आंसर है, उन क्वेश्चन आंसर पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जो कि आपके क्वेश्चन जो है वो काफी पूछे भी गए हैं, तो ये हो चुका आप लोगों का। इसके आगे हम चलते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां पाया जाता है, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। यूपी में यूरेनियम कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है, ठीक है। इनमें ऑप्शन देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा। पहला ऑप्शन है ललितपुर, ललितपुर। दूसरा है महाराजगंज, तीसरा है बांदा, बांदा, और चौथा है पीलीभीत, पीलीभीत। तो अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों को बताया है कि जो यूरेनियम है वह एक विस्फोटक पदार्थ है, यानी कि विस्फोटकता के तौर पर इसे प्रयोग किया जाता है, और यह सबसे ज्यादा ललितपुर में प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? ललितपुर में। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे गए हैं, यूपीपीसीएस मेंस 2016, यूपीपीसीएस मेंस 2007 और यूपीपीसीएस 2018, ये काफी ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला हम बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, यूपी में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, प्रमुख खनिज, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये आपका फोर्थ। ठीक है, पहला तांबा एवं ग्रेफाइट, तांबा एवं ग्रेफाइट, तांबा एवं ग्रेफाइट। दूसरा है लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। तीसरा ऑप्शन है ए प्लस बी दोनों सही हैं, और चौथा ऑप्शन है ए प्लस बी दोनों गलत हैं। ठीक है, यहां सही और यहां गलत। तो आप लोगों को पता होगा कि तांबा और ग्रेफाइट ये दोनों सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं आप लोगों के जो काफी ज्यादा पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है रेणुकूट जाना जाता है, रेणुकूट जाना जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चौथा ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है आप लोगों का ताप बिजली घर हेतु, ताप बिजली घर हेतु। दूसरा है इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग। आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, इस्पात उद्योग। रेणुकूट में इस्पात उद्योग ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी कि इस्पात उत्पादन ज्यादा होता है। तो ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो चुका है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग और सॉल्व कर लीजिएगा, जो नहीं आता है आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को वीडियो सर्वाधिक प्रदान हो और क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व हों। थैंक यू।